बात सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। यूपी के औरैया में ट्रक हादसे में 24 मजदूरों की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि ये हादसा नहीं हत्या है। औरैया ट्रक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का ऐलान भी किया है। सीएम योगी ने घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे हादसा नहीं हत्या करार दिया है। यूपी के औरैया में ट्रक हादसे में 24 मजदूरों की दरअसल मौत हुई। आज सुबह यह हादसा हुआ। दो ट्रकों की आपस में टक्कर के बाद 24 मजदूर इसकी जद में आ गए, जिसके बाद 35 मजदूरों को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। 60 से 65 मजदूरों के सवार होने की खबर थी दोनों ट्रकों को मिलाकर, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, मजदूरों को रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन मौके पर ही 23 मजदूरों की मौत की खबर आ गई थी। और कुछ मजदूर ऐसे हैं अभी जिनकी संख्या 35 में से 10 से 8 के लगभग है, जो बेहद गंभीर हालत में है, जिन्हें सैफई रेफर किया गया है, ये भी एक जानकारी आई है। लेकिन आगे आंकड़ा स्पष्ट होगा, आपको सबसे पहले ये जानकारी जी न्यूज पहुंचाएगा आप तक जैसे ही ये आधिकारिक पुष्टि होती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब इस हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये हत्या है, ये हादसा नहीं है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के तुरंत निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। दुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर जताया। ये दो तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब क्रेन के जरिए मलबा भी हटाया जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था। डीएम ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। दिल्ली से आए थे जी, वो ढाबे के पास रुके, चाय पी रहे थे, पीछे से एक ट्रक बड़ा ट्रक की तुमने के पूरे देवजी राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ फोन बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को नहीं कुछ चाहिए होगी जी, साइड में था ट्रक, साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है, 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर माइनर, उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है, हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। मयंक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मयंक, अभी ताजा अपडेट क्या है जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं उनकी हालत को लेकर और इस हादसे पर और जो जानकारी है पहले वो साझा कीजिए। देखिए, जो मृतकों की संख्या है वो 23 से बढ़कर अब 24 हो चुकी है और 32 लोग जो है औरैया के साथ ही पास में सैफई है वहां के अस्पतालों में एडमिट कराए गए हैं। ये लोग फिरोजाबाद से चले थे और इन्हें गोरखपुर तक, चूंकि ये डीसीएम जो ट्रक था इसमें इन लोगों को गोरखपुर तक जाना था और गोरखपुर के बाद जो है ये आसपास के जो जिले हैं देवरिया, बस्ती, महाराजगंज और बिहार के लगे हुए बिहार बॉर्डर के कुछ जिले हैं जहां पे इन सभी लोगों को जाना था। कल रात ये निकले थे वहां से इसी गाड़ी में सवार होके और जहां पे ये हादसा हुआ बताया जा रहा है एक ट्रेलर जो है वो पहले से वहां खड़ा था और ये बिल्कुल सामने की टक्कर हुई है। ये माना जा रहा है कि संभवतः जो ट्रक चालक था, जो डीसीएम चालक था, उसको नींद आई है और जो गाड़ी सीधे जाकर ट्रक से लड़ी है। हालांकि पूरे मामले पे जांच सेटअप कर दी गई है, जांच हो रही है, लेकिन जो घायल हैं उनमें से कईयों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो वहां का जिला प्रशासन है उसको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, चिकित्सीय व्यवस्था जो बेहतर हो सकती है वो उनको उपलब्ध कराई जाए, बाकी जो मदद है वो सरकार कर रही है। और बार बार ये अपील सरकार की तरफ से की जा रही है कि इस तरह से आप लोग ना निकलें, जान को खतरा है। निश्चित तौर पे जो लगातार हादसे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है चिंताजनक है और उसको संभालने की जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयंक की सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि हर मुमकिन मदद, हर इलाज प्राथमिकता के तौर पर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने यह आरोप लगा दिया कि यह हादसा नहीं है, ये हत्या है।
देश में लॉकडाउन 4.0 की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चौथे लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की है। शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमित शाह ने कई घंटे बैठक की। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। कोरोना वायरस के खतरे के चलते देश चौथे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू होना है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।